नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। झांसी अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। झांसी अग्निकांड में ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप में माचिस की तीली लगाने से वार्ड में लगी थी आग। तीन देशों की यात्रा पर रवाना पीएम मोदी, करेंगे नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा। दिल्ली के नंद नगरी में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक का कत्ल, दो आरोपी अरेस्ट। अमरावती में राहुल का भाजपा पर हमला, बीजेपी वाले बंद कमरे में संविधान की हत्या करते हैं। अमरावती में चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने चेक किया राहुल गांधी का बैग। थाने में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सीएम शिंदे के बैग की जांच की। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के चीफ पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर, 2 जवान हुए घायल। मुंबई पुलिस को ट्रक में मिली 80 करोड़ रुपए की 8,476 किलो चांदी। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई राममूर्ति नायडू अस्पताल में हुए भर्ती। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा, कार और टेम्पो की टक्कर में 7 लोगों की हुई मौत। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।